Good evening, everybody. Today, we are going to do a program on Susan Singh Rajput. And uh, my wish is to celebrate the other side of Sushant. Uh, he has been a throughout genius, uh, apart from being a great actor. So, I'd like to. Um, I'd like to talk more about him and. Uh, and we. I would like to do this uh, through my poetic expressions. So. I will share my presentation uh, just in a while. So Susanth has been quite dear to me, and uh, I have been following his work. And uh, I personally appreciate the other side of Susanth, which is more on the uh, spiritual as well as. Uh, on the deep thinking level what he was so let me share my slide hope i am audible so to me first of all i want to say that uh, most of the pictures you I have it's from the web and uh, I have taken few thoughts that I came across the net and then I have added my my thoughts on his profound thought in the shape of my poetic expressions. So I am I, going to recite some of the poetries that I that I did based on his uh, his thoughts. So, uh,

वैसे मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि मैं भी अपने बाएं हाथ से लिखता हूँ क्रिकेटर थे टेनिस के खिलाड़ी थे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे छूता है वो थे कि एक फ्यूचरोलॉजिस्ट थे भविष्य के बारे में सोचते थे और व्यापक तरीके से सो सोचते थे ही वाज़ अ डीप थिंकर राइटर वेरी स्पिरिचुअल इन हिज एंड टू लाइफ इंथुजियास्ट अबाउट स्टडिंग द डीप नॉलेज इन विच इज देयर इन द वेदास

I will start with one of his विट uh, one of his uh, saying. It says, "I am a noun in your life, a verb in mine." मेरा व्याकरण तुमसे अलग जिसमें आज है कोई कल नहीं मेरी जिंदगी उस विराट की अभिव्यक्ति है प्रतिफल नहीं तुम जज थे मैं दोषी न था मेरा मौन खामोशी न था मैं था नाम बस तेरे लिए अपने लिए मैं कर्म था पत्थर जो राहों में मिला उसे जोड़ना मेरा धर्म था मेरे संस्कार मेरे मूल हैं जीवन मरण एक वर्तूल है तो, तो, ये जो साइकिल है लाइफ एंड डेथ का इसके बीच का जो अंतराल है यही अंतराल मुख्य है और ये एक कोई नाम नहीं है इट्स अ वर्ब इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस बहुत ही प्रोफाउंड थॉट जिससे मैं मुझे बहुत प्रेरणा भी मिली इफ यू आर मेड टू बिलीव यू नीड टू स्ट्रगल सफर टूडे फॉर स्योरली टू मैनिपुलेटेड अगर लोग आपको है विश्वास दिलाते कि आज के संघर्ष में भविष्य का है सुख और कल की सुरक्षा के लिए सहना होगा दुख तो यकीन मानिए यह है झूठ एक प्रमुख सच तो ये है आपको अपनों ने छला है दो कल के बीच में लगे जो आज बला है इस क्रम में शोषण के आप हो गए हैं शिकार भविष्य की चिंता में वर्तमान दरकिनार और ये एक है आप देखिए कि मतलब हमारा जो लाइफ है ये या तो हम पास्ट में डेवेल करते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और उस क्रम में क्या होता है कि जो प्रेजेंट मोमेंट हमारा होता है वो बिल्कुल ही अछूता रह जाता है हम सिर्फ एक एक ऐसे सोशल कंस्ट्रक्ट में जीते हैं जिसमें कि ज्यादातर विचार जो हमारे हैं वो हमारे उधार के विचार होते हैं पेरेंट्स के द्वारा सुना गया लोग क्या कहेंगे पीयर प्रेशर इसमें हम साथ लेते हैं तो बहुत ही प्रोफाउंड थॉट है ये भी I failed is 10 times better than what if. अगर ऐसा हुआ तो फिर होगा क्या और वैसा हुआ तो मैं क्या करूं हम लोगों की जिंदगी में घटती है से कहीं बेहतर है कि एक प्रयास हो जिससे सीखें कि क्या मैं ब्याह करूं हारे तो कुछ सीखा किए जीते तो फिर अनुभव मिला जो करते रहे सवाले पहल बस शिकवा दिला जब हम कुछ करते ही नहीं है सिर्फ ये सोचते रहे कि एक परफेक्ट टाइम आएगा जब हम कुछ करेंगे या कोई भी पहल करने से पहले व्हाट इफ लगाते रहे तो वो प्रयास कभी भी सफल प्रयास नहीं हो सकेगा और इन सभी वाटिफ को तोड़ने वाले थे सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से यह दिखा दिया कि विभिन्न आयामों में उन्होंने एक प्रखर व्यक्तित्व का परिचय दिया बी काइंड फॉर एवरी वन वी मीट इज फाइटिंग अ हार्ट बैटर करुणा और दया का रखें भाव निरंतर और समझिए कि उसमें और मुझमें नहीं कोई अंत क्योंकि हर इंसान की अलग संघर्ष गाता है जो तुम में व्याप्त है वहां भी वो विधाता है समानुभूति जो होगी फिर कोई युद्ध नहीं है मन की मनमानी हृदय के विरुद्ध नहीं है। तो अक्सर हम देखते हैं कि देर इज अ कंफ्लिक बिटवीन द माइंड एंड द हार्ट तो ये कन्फ्लिक्ट को से दूर होके हमें समानुभूति रखनी है सहानुभूति नहीं समानुभूति सिंपैथी नहीं इमपैथी और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप ये सोचेंगे कि एवरी वन इज एक्सटेंशन ऑफ माइ सेल्फ देर इज नो क्वेस्ट देर इज नो स्ट्रगल टू बी मतलब भीड़ से अलग देखने की कोई चाह नहीं रहेगी और फिर जो भी होगा वो विस्तार होगा वो अभिव्यक्ति होगा तो सुशांत सिंह राजपूत इसके जीवंत उदाहरण भी हैं बिकॉज आफ्टरऑल एनीथिंग वर्थ पर सुंग इज वर्थ फेलिंग एट जो भी मूल्यवान जीवन में सतत प्रयास से मुमकिन कभी खुशियों के आंसू हैं कभी माहौल है गमगीन पर रहे याद बस इतना कि डर के आगे जीत है कहां इंसान सीखता जो यूं ही रहता भयभीत है सिलसिला रहे जारी सीखने सिखाने का जीत के संग संग हार का जश्न भी मनाने का तो इट इज इट इज अम्पोर्टेंट प्रोसेस इन लाइफ दैट यू लर्न फ्रॉम एवरी इंसिडेंट दैट है देखिए हार और जीत नहीं कुछ होती है जो होता है वो होता है अनुभव अगर आप यू विन इफ यू विन यू लीड इफ यू लूज यू बिकम अ ट्यूटर एंड यू इनेबल अदर पीपल टू लीड तो हार जीत जैसा कुछ नहीं है अनुभवों का पुलिंदा है इंसान और इसी अनुभवों को लेके जीना है तो इसीलिए फेलियर फेलियर इज नेवर अ अ इट्स लर्निंग एक्सपीरियंस यू बिगिन टू सी एवरीथिंग दैट्स राइट विथ सच एन इमेंस क्लैरिटी दैट यू आर डिप्राइव्ड ऑफ मेकिंग एनी ऑफ द अवेलेबल रॉन्ग बट लुकोरेटिव चॉइसेस अक्सर होता है हम लोगों के साथ जो सही है उस दृष्टिकोण का प्रबल विचार इस तरह रचा बसा जैसे हो अपना संस्कार की विकल्प के तरह से अपनी आंखें से अपनी आंखें नीचे हैं सही और गलत के बीच लक्ष्मण रेखा खींचे हैं वंचित है उस साहस से जो निर्णय ले हटकर लीक से खड़े हो सके उस युद्ध के विरुद्ध है जो अपने हित के लिए निर्भीक से एक कंटिन्यूस कंफ्लिक हमारे माइंड में चलता रहता है एंड एवरी टाइम आप जब भी कुछ नया करने का सोचते हैं या कोई भी पहल करना चाहते हैं तो उसमें एक पीयर प्रेशर है क्या करें कैसे करें वो तो नहीं कर रहा है तो हम कैसे कर पाएंगे तो ये जो ये जो रोड ब्लॉक है अगर हम उसको आगे मतलब दरकिनार कर दें और थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लें ऐसा नहीं है कि जंप कर जाए बिल्कुल बड़ी बहुमंजिली इमारत से कैलकुलेटेड रिस्क लें तो अक्सर ही कुछ नया होने की संभावना रहती है तो उस नए होने की संभावना नए करने की संभावनाओं को अपने में जीवित रखें काफी उत्कृष्ट विचार आवर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू टेल अदर्स राइट इज द काज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल आवर प्रॉब्लम कितना सही है हम इम्पैथी से नहीं जजमेंटल होके लोगों को देखते हैं मन की एक प्रवृत्ति हर समस्या का मूल जब विशेषज्ञ बन देते हैं हम दूसरों को सुझाव हम सोचते हैं जो सही हमारे समझते अपनाए तो सही नहीं तो मन मुटाओ अवस्था जरूरी तो नहीं कोई समस्या हो हो सफलता के लिए ये तपस्या हो पर हम है कि आतुर सलाह सुझाव को लिए जैसे हो लिए हर जख्म मरहम हर जख्म घाव के लिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि इट्स जस्ट सिचुएशन बट हमारा जो एक अंदर जो स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है वो हमेशा दूसरों को सुझाव देना चाहिए ये कर लो वो कर लो ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए और आपकी बात अगर मानी नहीं गई तो ये मतलब ईगो क्लैश हो गया आपके अहंकार को चोट पहुंच गई तो ऐसा नहीं होना चाहिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सुशांत ने कहा और हमें भी इसको फॉलो करना चाहिए कि कभी कभी आप मौका दें कि जो बंदा है जैसे जैसे उसको हम लोग बोलते हैं मतलब यू कोच देम डोंट गिव द आंसर यू कोच देम टू कम अप देयर विद विद देयर ओन सॉल्यूशन उनको सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम फोकस है उससे आप सॉल्यूशन फोकस की तरफ ले जाइए काफी प्रोफाउंड थॉट आई रेजोनेट विद दिस थॉट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स द स्पेशलिस्ट इन अस दैट बिकम वेरी मच empowering in our personality and we tend to do what we should not do Often the the between what is is miserable and that which is spectacular lies in the leap of our faith। था या अद्भुत बहुत? ये सवाल हैं जो दिल में लिए मेरा मानना जो भी जवाब हो उसमें खुलिए खिलिये खेलिए अंतर जो है विश्वास का है विराट या संकीर्ण है ये विश्वास ही है जो तय करे व्यक्तित्व प्रखर है या जीर्णीर्ण है मेरे विचार से चाहे इस केस का जो भी हो आगे और लेकिन एक प्रखर व्यक्तित्व के स्वामी थे सुशांत सिंह राजपूत और हमने एक बहुत बड़े विचारक को खो दिया है एक्टर तो थे लेकिन उनके साथ जो उनके होलसम पर्सनालिटी को हम लोग हमारे सामने कभी नहीं आ पाए द वे यू लर्न इज वॉट यू लर्न कैसे सीखते हैं आप ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्योंकि मार्ग में ही निहित है मंजिल को पाने का सुकून जो फिर सीखना कैसे है और सिखाना है किस प्रकार तय करेगा बढ़ा क्या विवेक या अहंकार तो जो ये लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है और ये जो पूरा का पूरा एक सिस्टम है उसमें इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे सीखते हैं और आप कैसे सीखते हैं यही तय करता है कि क्या बढ़ रहा है आपके अंदर विवेक बढ़ रहा है या अहंकार बढ़ रहा है तो एजुकेशन का जो मूल जो यह है कि आपको विवेकवान बनाना है आप नॉलेज टू विजडम की जो यात्रा है उसको उसका सहचर्य बने शिक्षा कमी है क्योंकि ज्यादातर शिक्षा जो है वो स्किल को आगे करने में है और स्किल जब आपको मिल जाती है तो उसको वो, वो अहंकार का बीज बोती है आपको लगता है कि आपके जैसा कोई और है ही नहीं तो कैसे सीखते हैं आप ये है अत्यंत महत्वपूर्ण क्योंकि मार्ग में ही नहीं है ये भी ये भी इंपॉर्टेंट है कि मीन्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट देन जस्ट द एंड रिजल्ट कौन सा रास्ता आप ले रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि मंजिल ही सिर्फ मुख्य नहीं है हैबिट ऑफ हैबिट ऑफ है खुशियों को खोजना नहीं है खुशी बन जाना है तो खुशी के तलाश में भटकना क्यों बेवजह ये खोज अर्थहीन वर्तमान के विरुद्ध आदत जो हो गया आदत जो हो जाए अनायास खुशी की ये क्षण में पाएंगे अनुभव वही विशुद्ध तो आई ये ही नहीं हम रहे आनंद में क्या रखा है मन और झूठे घमंड में जो खुश रहेंगे तो जीवन फिर धन्यवाद है होलिका के गोद में जैसे सुरक्षित प्रहलाद है। तो यही है कि आपके लिए ये इन इनके है से ठीक है एक कॉटिक वर्ल्ड इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं लेकिन उस वर्ल्ड इन्वायरमेंट में भी उस कॉस्मिक Uh, उथल पुथल में भी कैसे आप प्रहलाद की तरह शांत शांतचित्त रह सकते हैं वेरी प्रोफाउंड थॉट दैट द हैबिट ऑफ हैप्पीनेस ओवर द ऑफ हैप्पीनेस इज तो डालिए खुश रहने की आदत नहीं कि खुशी को खोजते रहें भविष्य में और भूत में द ट्रू मीनिंग ऑफ सक्सेस इज इन मनी प्लस रिकॉग्निशन बट नाउ प्लस एक्साइटमेंट सफलता और आनंद का समीकरण अनोखा पैसा और प्रतिष्ठा से आप खा सकते हैं दो का। दोनों जो मिल गए तो फिर क्या लच्छे रहेगा खालीपन और उदासी सदैव ही समक्ष रहेगा तो क्या है फिर आनंद की अनुभूति का रहस्य वर्तमान के क्षण में छिपा है एक गुण सत्य जो इस पल में रहेंगे तो फिर ना भूत ना भविष्य और फिर एक हो जाएगा दृष्टिकोण दृष्टा दृश्य न लक दिखने की होड़ न प्रमाण की चाहत न से प्राप्त हर हमेशा होगा वो वो सत्य शाश्वत ईश के सृजन, विनाश गर्भ में खुल के नाचो वर्तमान के उत्सव और पर्व में काफी प्रोफाउंड थॉट है और देखिए अक्सर ऐसा होता है और हमारे जो लास्ट वीक जो स्पीकर थे हेमंत श्रीवास्तव उन्होंने इसको बहुत अच्छे से समझाया था कि दृष्टिकोण दृष्टा और दृश्य होते हैं उस चन, उस पल का जो जीवन होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है हालांकि मुश्किल है, क्योंकि हम लोग एक हर आदमी एक अपना संघर्ष कर रहा है जो पीछे की कविता में मैंने आपको बताया भी इसलिए हमको समानुभूति भी रखना है लेकिन अगर आप सफलता को डिफाइन करने चले हैं तो सफलता जो है वो क्षणिक होगा वो थोड़े देर का होगा सिर्फ उसको आप पैसा से इक्वेट करेंगे तो उत्साह आनंद और कुछ करने नहीं करने की चाहत नया खोजने की चाहत इसमें ही छिपा है यही है मूल मंत्र खुशी का और और इसीलिए देखिए यार भूटान भी जो है वो हम लोग बहुत सारे टॉक में इसको लाते हैं कि ग्रॉफ नेशनल हैप्पीनेस समाज कितना पूर्णतः आनंद में है क्या हम अपने धरोहरों को बचा पा रहे हैं क्या हम सही संस्कार बच्चों को दे पा रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है माई थॉट डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज आई यूज टू अंडरस्टैंड सा फल स्टेटमेंट लगता है कि मेरे विचार उस भाषा को समझने में असक्षम जिस भाषा से समझता हूं मैं जो विचार कोई उठे चश्मा होती है जिससे कि आंखों को दिखे बेहतर अगर चश्मा ना देख पाए तो आंखों को जो आँखों को तो वो रूठे तो ये ये एक एक प्रॉब्लम है कि मतलब आप चश्मा के सहारे आँख से देख सकते हैं अगर आपकी दृष्टिहीन है या आपकी दृष्टि कमजोर है लेकिन जिद अगर चश्मा की हो कि वो आंख को देखे तो ये मुश्किल है तो वैसे ही है कि जो

मैं जब इसको पढ़ा तो बहुत इस पर सोचा और तब मैंने ये पंक्तिबद्ध किया कि जो डर को डरे कोई बच्चा अचानक जो डर जाए कोई बच्चा अचानक अंधकार से तो क्षमा होती है स्नेह और प्यार से पराश दी जीवन की हो जाती है तब प्रत्यक्ष जब इंसान डर जाता हो रोशनी की आहट से अंधेरा ही सुरक्षा तब भय और घबराहट से होने न दें इन घाव को यूं ही बद से बदतर समानुभूति चाहिए पुनः हुआ लौट आए घर तो एक घर वापसी उन युवाओं को की भी चाहिए जो कि हताश हो जाते हैं और एक, एक एक यहाँ पे जो मेरा मानना है कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है ये भी कुछ इसमें मतलब आ, उतना सक्षम नहीं हो पाया क्योंकि आप स्किल दे दिए हैं लेकिन एबिलिटी टू टैकल स्ट्रेस उसकी कमी है कोई विश्वविद्यालय सांस लेना नहीं सिखाता है क्योंकि वो, वो समझा जाता है कि वो सहज है सहज है हम क्योंकि हैं तो आपकी ब्रीदिंग पैटर्न ही ये डिफाइन कर देती है कि आप क्रोध में हैं आप गुस्से में हैं कि आप आनंद के क्षण में जी रहे हैं और ये एक जो गूढ़ बात है कि एक सांस में एक ही विचार रह सकते हैं तो ऐसे में अगर हम सांसों के तारतम्य बैठा लें विचारों का तो जो ये विचारों का बमंडन हमारे अंदर उठता है उसको रोका जा सकता है और अगर हम शुरू तो में ही स्कूल में ही या फॉर्मेटिव ही ये सब चीज सिखाया जाए तो समझिए कि वो अवस्था ही नहीं आएगी कि किसी किसी युवा को भी रोशनी से डर लगे प्रोफाउंड थॉट एंड डीप स्पिरिचुअल इंसाइटेड इन दिस थॉट समटाइम्स अ लाइफ टाइम इज नॉट इनफ टू क्रॉस द ब्रिज फ्रॉम नॉट नोइंग आई डोंट नो एनी थिंग टू नोइंग जीवन की अवधि तब होती है न्यूनतम न ज्ञान हो न ज्ञात हो सका हो जब ज्ञान हो परम की एक लंबी सी सेतु से जुड़ा दो किनारा है ये अंतराल ही जीवन हमारा तुम्हारा है ये यात्रा अनोखी और ये रहस्य गुणतम नहीं जानते कि कुछ भी नहीं जानते हैं से जानते हैं कि हम जानते नहीं दुनिया की दृष्टि में है जो जानना है वेरी प्रफाउंडरी प्रोफाउंड थॉट कंफ्यूजिंग वर्बल एबिलिटी विथ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ये भी एक बहुत बड़ा त्रासदी है कि जो अच्छा बोल लेते हैं या जो इंग्लिश बोल लेते हैं या जिनकी कम्युनिकेटिव स्किल अच्छी होती है उनको समाज मानता है कि वो मतलब बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी कभी जो कम बोलते हैं जो अपने ज्ञान को उस तरह से प्रसारित नहीं कर पाते जैसे करना चाहिए उनमें भी सीखने और जानने के लिए बहुत कुछ होता है तो शब्दों की तंगी और किसी का वाचाल ना होना नहीं बनाता उसके व्यक्तित्व को बोन कोई बोलता बहुत पर अर्थसार है उस व्यक्तित्व से उत्कृष्ट रहता जो मौन शोर शांति से परे मौन सृजन का स्रोत है संभव है जो कम बोलता ज्ञान से उत्प्रोत है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है वो ज्यादा नहीं बोलते हैं मितभाषी होते हैं लेकिन उनके पास ज्ञान का भंडार होता है दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ होता है कभी कभी जो वैज्ञानिक होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं उनको देखिएगा वो ज्यादा समाज से नहीं जुड़ते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जो सृजनशीलता है बिल्कुल ही नगण्य और ये मेरी अंतिम कविता है जो मैं पढ़ूंगा कि आई एम दैट पार्ट ऑफ यू विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ मैं कौन हूं मैं क्या यहां ये सवाल जब होता प्रबल मैं अभिव्यक्ति के हर मोड़ पर राह ढूंढता इसका ही हल जब ये जाना हूं मैं क्या नहीं तो पता चला सभी एक है मैं वो हिस्सा तुम्हारे व्यक्तित्व का अनभिज्ञ जिससे तुम्हारा विवेक है ये भी है कि आप हम आप अलग नहीं कोई भी अलग नहीं है हमें हम हमारे अंदर वही चैतन्य का बीज है तो इन सभी विचारों के साथ मैं आपको आ, नौ वर्ष की भी देता हूं और आ, मैं ये कहना चाहता हूं कि मतलब साल 2020 आ, बहुत ही दया और करुणा से भरा समय को परखने पर का वर्ष था एक और कोरोना और दूसरी और बहुत सारी नेचुरल डिजास्टर्स हुई साथ ही साथ हमने बहुत सारे प्रिय लोगों को खोया इस क्रम में उनमें से सुशांत भी एक थे तो आज मैं इन इस काव्य पाठ के ए, माध्यम से उनको कोटि कोटि नमन करता है हूं उनके व्यक्तित्व को प्रणाम करता हूं जय हिंद जय भारत और आप सब जो मुझे देख रहे हैं उनको भी वर्ष की शुभकामनाएं